हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको इंक रिफिलिंग करके बताएंगे। हमने आपसे कहा था कि इसकी नेक्स्ट वीडियो इंक रिफिलिंग की आएगी कैनन प्रिंटर सीरीज़ की। ये हमने कैनन का G2012 प्रिंटर अमेज़न से परचेज़ किया था 7999 रुपीज़ करीब में। ये ऑफ़र डील थी एक, जो हमें काफ़ी अच्छा प्रिंटर मिला उस प्राइस में। और ये वीडियो आपकी नेक्स्ट वीडियो है सीरीज़ की, उस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है ये। और इसमें हम आपको इंक रिफिलिंग करके बताएंगे। इसमें 4 टैंक्स अवेलेबल हैं, एक सियान इंक के लिए है, एक मैजेंटा के लिए है और एक येलो के लिए है, और एक बड़ा टैंक है जो ब्लैक के लिए है, क्योंकि ब्लैक का यूज़ ज़्यादा होता है ब्लैक इंक का, तो इसलिए इसमें एक जो ब्लैक का सेपरेट टैंक है वो काफ़ी बड़ा दिया गया है। तो इस प्रिंटर की हमें ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, जबकि एप्सन वगैरह के जो प्रिंटर्स हैं इंक टैंक वाले, उनमें ऐसा नहीं दिया गया होता, उसमें सभी सेम साइज़ के इंक टैंक दिए गए होते हैं। तो ये प्रिंटर पर्सनली अगर मैं आपको सजेशन करूं तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा प्रिंटर, और आप भी इस प्रिंटर को ख़रीद सकते हैं, और कोई इसमें दिक्कत वाली बात भी नहीं है। जब तक हमने अभी तक यूज़ किया है इसको, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कोई भी, बिल्कुल अच्छा प्रिंटर है, प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी है, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो इसमें ये 4 टैंक दिए गए हैं। पहले टैंक में आपको सियान इंक फिल करनी है, पूरी बॉटल आप फिल कर सकते हैं, और दूसरे टैंक में मैजेंटा, जो बॉटल्स इसके साथ आती हैं वो फुल बॉटल्स आप इसमें फिल कर सकते हैं, और आप इसकी इंक बाद में मंगा भी सकते हैं, जब ख़त्म हो जाए तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है प्रिंटिंग की, इस प्रिंटर की, और स्पीड भी सही है, बढ़िया प्रिंटर लगा हमें ये इंक टैंक वाला। और ये चारों में ही आपको फिल करना है बस। तो इस वीडियो ये वीडियो तो आपकी रिफिलिंग की है, आप देख सकते हैं कैसे रिफिल हो रही है, आराम से आप कर सकते हैं। बोतल लगानी है बस आपको, कैप हटाना, बोतल लगानी है और फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह सेकंड टैंक में आपको मैजेंटा फिल करनी है, थर्ड में आपको येलो फिल करनी है, और ये अलग जो लेफ्ट साइड में ब्लैक टैंक दिया गया ब्लैक इंक के लिए, तो उसमें आपको ब्लैक बोतल फिल करनी है बस। ब्लैक जो बोतल है वो इसकी बड़ी है काफ़ी, आप देख सकते हैं साइज, तो वो उस टैंक के हिसाब से है जो ब्लैक का टैंक दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स। और अगर आप